हेलो जो, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में 12th क्लास का एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में सबसे पहले एल्कोहल का। तो एल्कोहल का की परिभाषा, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, इनका कैसा वर्गीकरण है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है जिसके आधार पर उसको हम पहचान सकें, एल्कोहल के आयु पेशी नेमिंग कैसी है, इसकी आयु सुमरजम कैसी है, ये सभी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, मैं हूँ राकेश मिश्रा, राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 11, इस चैप्टर के अंदर हम जानते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तीन कंपाउंड अपन को करना है कवर। तो तीनों की जानकारी अपन लेंगे। सबसे पहले एल्कोहल के बारे में बताएंगे, मैंने स्टार्टिंग अपन एल्कोहल से करेंगे। एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, ये देखिए दोस्तों, एल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे? जब हम किसी यौगिक का अणु सूत्र देखते हैं तो हम कैसे पहचानते हैं? तो इसके लिए हमें आपको एल्कोहल को डिफाइन करना होगा। देखिए, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोकार्बन, RH मींस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रहा, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, इसको यहां से हटा दिया है, और उसमें क्या जोड़ दिया है, इसमें OH। एल्केन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी समूह से हटा दिया गया है। देखिए, ये बन गया आपका एल्कोहल। जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का फॉर्मूला OH द्वारा रिप्लेस करते हैं, तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। ये हमारा है एल्केन, और इसमें कितना चेंज आ जाएगा, यहां पे क्या करना है आपको, ई डिलीट कर देना है, AlkaN ई हटा देना है, ऑल लगा देना है, मतलब एल्केनॉल। दोस्तों, एल्कोहल का यूपीएसी नाम एल्केनॉल भी है। हम इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया यहां CH3H, मतलब मीथेन। तो हम क्या करेंगे, मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, CH3OH, मिथाइल एल्कोहल बन गया। ये हमारा मीथेन था, इसका हमने ई यहां से हटाया और क्या जोड़ दिया यहां पर, METHANOL, मेथेनॉल। तो मिथाइल एल्कोहल से मेथिलोन मिल गया। इसमें एक और बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप कहीं बेंजीन का एच हटाएंगे, बेंजीन का सूत्र क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है दोस्तों बेंजीन, इसका एच हटा रहे हैं, ये हटा दिया और इसमें OH जोड़ दिया, तब ये एल्कोहल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा फिनॉल, जो हमें बीच के पार्ट में पढ़ना है। एल्कोहल कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिनॉल स्टार्ट करेंगे। तो ये एल्कोहल के बारे में जानते। अब आते हैं हम इसका सामान्य सूत्र क्या है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र कैसा, किसी कंपाउंड का जो मॉलिकुलर फार्मूला लिखा है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो एल्कोहल है अथवा नहीं, इससे आप पहचान जाएंगे। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, या तो लिख सकते हैं आप उसको RH, या तो क्या लिख सकते हैं R, R मींस रेडिकल, मूलक, या फिर इसका जो सामान्य सूत्र है वो ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1OH, ये भी लिख सकते हैं आप CnH2n+1, ये R का फॉर्मूला है गाइस, और OH वैसे कि वैसे लगा देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है तो एक तरीका ये है, ये वाला जो हाइड्रोजन, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इसमें भी ऐड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक और इसमें H जुड़ेगा 2N+2O, ये भी फॉर्मूला एल्कोहल का है CnH2n
प्लस टू ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाया एल्कोहल का सामान्य सूत्र। यहां एन बराबर क्या है, एन बराबर है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस आधार पे आप सामान्य सूत्र इसको पहचान सकते हैं। आगे बढ़े, सामान्य सूत्र के बाद हम आते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। यहां पर हम देखेंगे एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानेंगे। देखो एल्कोहल का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है गाइस, लेकिन हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो बेसिक है। जैसे पहला वर्गीकरण एल्कोहल का क्या है, एल्कोहल का पहला वर्गीकरण है OH समूह की संख्या के आधार पर, मतलब कितने OH उसमें हैं। तो यहां पे 12th क्लास के पाठ्यक्रम के हिसाब से तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं जिनका हम आपको नाम बताएंगे और इनके हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला, पहला नाम है इसका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सामान्य सी बात है, जिसमें एक OH होता है। देख लीजिए, मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, प्रोपिल एल्कोहल, तमाम जो एक OH होता है उनको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। सेकंड नंबर पे आएंगे हम तो हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें कितने OH होंगे गाइस, इसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इसका हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है CH2OH, CH2OH, इसको हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, या केवल ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, बाकी इसमें दो OH हैं, इसलिए ये क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। आरासन में तीसरा जो वर्गीकरण है वो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक में यहां पे तीन OH होंगे, नाम से स्पष्ट है, बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर बहुत कॉन्फिडेंटली देख लीजिए आप, ये तीन OH लग गए इसमें, तीन हाइड्रोक्स ग्रुप हैं, तो इसको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। अब बच्चों इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसका नाम है ग्लिसरीन। ये नाम आपने मेडिकल पे जरूर सुना होगा, मेडिकल की शॉप पे मिल जाता है ग्लिसरीन, साबुन में भी ग्लिसरीन रहता है। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण हो गया, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राई। यहां चलते हैं हम सेकंड क्लासिफिकेशन बताते हैं आपको। जो हमारा सेकंड वर्गीकरण है कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन जैसा हमने बताया चार प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चातुर्थिक, लेकिन चातुर्थिक एल्कोहल नहीं हो सकता, एल्कोहल तीन प्रकार के ही होंगे। तो इसको हम जान लेते हैं, तीन प्रकार के एल्कोहल की क्या पहचान है। सबसे पहले होगा प्राथमिक एल्कोहल, इसको दोस्तों वन डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड चीज यहां पे, प्राथमिक एल्कोहल वन डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, बिल्कुल सामान्य बात है। ये देखिए आप देखेंगे OH समूह को, किसको देखेंगे आप, OH समूह को। यदि हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, अब प्राथमिक कार्बन क्या है दोस्तों, प्राथमिक कार्बन दो हो सकते हैं। मेथिल एल्कोहल का जो कार्बन होता है वो किसी अन्य कार्बन से जुड़ा नहीं होता, इसको प्राथमिक कहेंगे, अथवा ऐसा कार्बन जो सीधे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, यहां पर एक कार्बन से कनेक्ट होता है, ये द्वितीयक प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण हो गया। अब इसमें आप कुछ भी जोड़ दें, यहां से डिसाइड हो जाता है, इतने से क्या डिसाइड हो गया, इससे दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, तो अब एक कार्बन जुड़ा, यहां कुछ भी जुड़ा रहा है आपको मतलब नहीं है, चाहे एच जुड़ा रहा है, मान लो हम यहां एच जोड़ देते तो ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा, आगे कुछ भी जुड़ा रहा है प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो यहां पर यह पहचान है कि ये जो एल्कोहल, ये वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री कार्बन मीन्स दैट कार्बन विच डायरेक्टली ज्वाइंट विथ ओनली वन कार्बन और डू नॉट अटैच विथ एनी कार्बन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं, हमारा
वर्गीकरण नंबर दो चल रहा है। अब हम चलते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी एल्कोहल की क्या पहचान है। सेकेंडरी एल्कोहल, हम तो अपना OH समूह पहचान जाएंगे, हमें तो अपना OH नहीं छोड़ना है। OH कहां पर है, कैसा है, तो हमने OH देख लिया है, ये जुड़ा हुआ है। अब इससे कितने कार्बन जुड़े हैं देख लीजिए, मान लो इससे दो कार्बन जुड़े हैं, देखो ये बस द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ये कैसे पहचाना हमने, ये हमारा कार्बन द्वितीयक कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन दोस्तों क्या होता है, सीधे दो कार्बन से ऊपर भी एक नीचे भी एक। तो हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है भाई, वो किससे जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन से। तो द्वितीयक एल्कोहल वो होता है, 2 डिग्री एल्कोहल वह एल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वितीयक कार्बन से डायरेक्ट ज्वाइंट होता है। आए समझ में। हम चलते हैं तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल में अब आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा कार्बन आएगा जो सीधे 3 कार्बन से जुड़ा होगा। देख लीजिए आप कितने कार्बन से ज्वाइंट है, कार्बन 3 से, इससे हमारा OH समूह जुड़ गया। मान लो ये जुड़ गया, तो ये वाला जो कार्बन है ये है 3 डिग्री कार्बन। तृतीयक कार्बन सीधे 3 से ऊपर एक, नीचे 2, इधर बाएं 3, उससे हमारा ग्रुप जुड़ा है, इसलिए है तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल एक कार्बन से जुड़ा हो अथवा किसी कार्बन से ना जुड़ा हो, जैसे मेथिल एल्कोहल में रहता है कि किसी कार्बन से नहीं जुड़ा होता, सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है। ठीक है, यहां पर एक से जुड़ा है, यहां पर यह डायरेक्टली 2 से जुड़ा है, और हमें उसी कार्बन पर ध्यान देना जिससे हमारा एल्कोहल समूह डायरेक्ट अटैच। ओके, तो ये जो है दूसरा वर्गीकरण आपने देखा, तृतीयक एल्कोहल डायरेक्ट 3 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कुछ और एल्कोहल हैं, जैसे असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल में स्पेशली 2 आते हैं जिनको हम स्पेशल नाम उनका बता देते हैं आपको, तो आप समझ जाएंगे। एल्कीन का एल्कोहल है, एक एल्कीन से बनता है ये, इसका नाम है विनाइल एल्कोहल। देखो इस कंपाउंड का नाम क्या है, विनाइल एल्कोहल। ठीक है, और एक आता है प्रोपीन वाला एल्कोहल, तो इसको आप देख लीजिए प्रोपीन वाला एल्कोहल कैसा है, जो प्रोपीन से जुड़ा है, प्रोपीन का रेडिकल है, इसको बोलते हैं एलाइल एल्कोहल। ये इसका एलाइल, ये असंतृप्त एल्कोहल के 2 बेस्ट एग्जांपल हैं। अब हम एरोमेटिक में चलें, तो एरोमेटिक का भी एक एग्जांपल यहां पे आपको समझा देते हैं। देखो दोस्तों, रिंग में यदि डायरेक्ट OH जुड़ जाएगा तो आप उसको एल्कोहल नहीं बोल पाएंगे, लेकिन टॉलुइन होता है, टॉलुइन रिंग में CH3 लगा होता है, टॉलुइन होता है, टॉलुइन का H हटा के OH लगा दें तो ये बन गया बेंजिल एल्कोहल। ये क्या बन गया, बेंजिल एल्कोहल, ये एरोमेटिक एल्कोहल बोलते इसको। तो ये आपने एलिफेटिक एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ा और यहां पे आपने एरोमेटिक का वर्गीकरण पढ़ा। अब यहां पे अपन प्रारंभ में इसके कुछ नेमिंग पढ़ते हैं, एल्कोहल का नाम कैसे रख सकते हैं, एल्कोहल के नाम की क्या पहचान है। नाम रखना IUPAC नाम बहुत ही आसान है, ऐसा कि आपने 11वीं पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे विस्तार से देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए पूरा, और IUPAC नामकरण की ये पूरी चीज देखेंगे आप। IUPAC नोमेनक्लेचर, इसमें गाइस क्या होगा, आपको 2 छोटे छोटे नियम समझना पड़ेंगे। सबसे पहले कार्बन कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, मेन चेन, उस सेकंड नंबर पे उसकी नंबरिंग करते हैं चेन की। अब नंबरिंग के लिए ये सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारे OH ग्रुप, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो पास में होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, ऐसा इसका रूल्स है। और अंत में हम आपको पैटर्न बता देंगे तो आपको पैटर्न लग जाएगा। सबसे पहले चेन सेलेक्ट करना, नंबर 1, नंबर 2 उसकी नंबरिंग करना, नंबर 3 पैटर्न लगाना। यहां पर मैं पैटर्न बता देता हूं आपको, एल्कोहल का जो पैटर्न होता है मेरे पास जो है, सबसे पहले यदि एल्कोहल में साइड चेन है तो उसको लिखेंगे अपन, उसके जस्ट बाद अपन क्या लिखेंगे, इसका
साइड चेन के बाद आपको लिखना पड़ेगा उसका रूट वर्ड, जितने कार्बन की आपने चेन बनाई। जैसे 5 की बनाई तो पेंट लिखेंगे, 7 की बनाई तो हेप्ट लिखेंगे, 2 की बनाई तो एथ लिखेंगे। रूट वर्ड के बाद यहां पे एन लगा दीजिए और अंत में कार्बन नंबर के साथ क्या लगा देंगे, सफिक्स ऑल। ये पैटर्न आपका चल जाएगा, साइड चेन रूट वर्ड एन, और यहां इन है तो इन भी चलेगा, फिर आयन होगा तो आयन भी चलेगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन दोस्तों, डबल होगा तो इन, ट्रिपल होगा तो यहां पे आप आयन लगाना पड़ेगा। चलिए कुछ इसके एग्जांपल कर लेते हैं अपन, छोटे छोटे एग्जांपल हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप एल्कोहल का पूरा पूरा नाम आसानी से सीख जाएंगे। ये सबसे छोटा एल्कोहल एथल एल्कोहल, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे अपन? पहला नियम लगाओ, चेन सिलेक्ट करो। ये चेन मैंने बना ली है, कितने कार्बन की चेन है? 2 की। नंबरिंग यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, कहां से करेंगे? जहां से OH से जुड़ा कार्बन पहले। एक और इसमें बात हम खास बता देते हैं, जो OH समूह है ना वो मेन चेन में तभी शामिल हो जाता है जब उससे जुड़ा हुआ कार्बन शामिल हो जाए। अब चाहे तो आप चेन इसको डॉट डॉट यहां भी बंद कर सकते, लेकिन OH को नंबर नहीं दे पाएंगे, नंबर हमें कार्बन को ही देना पड़ेगा। और हम नंबर 1 देंगे और नंबर 2 देंगे, हमारा OH एक नंबर पर आ चुका है। हम आगे बढ़ जाएं, कोई साइड चेन इसमें नहीं है तो हम साइड चेन नहीं है तो हम रूट वर्ड पे जाएंगे। रूट वर्ड क्या है? 2 कार्बन का एथ। इसमें कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा है, आप लोग बताइए कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर एन लगा देंगे, एथेन। कार्बन नंबर क्या है? किसका कार्बन नंबर? OH का। कितने पर जुड़ा है? 1 पर, 1-all, एथेन 1-all, मिला दीजिए इसको, 1-ethanol, और 1 नहीं लिखना तो चल जाएगा, एथेनॉल भी लिख सकते हम इसको। उससे छोटा जो नेमिंग हमारा है, एक कार्बन का एल्कोहल है, ये तो बहुत ही सरल है भाई, ये देखो एक की चेन बन गई। इसका आधार शब्द क्या आएगा दोस्तों? इसका आएगा मैथ। साइड चेन कोई इसमें है नहीं है तो हम एन लगा देंगे, मेथेन, और वन पर लगा देंगे ऑल, वन मीथेनॉल। अब यहां वन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती, चाहे तो आप हटा सकते हैं, तो मीथेनॉल हो जाएगा सीधे, इसका सीधा नाम लिख सकते हैं आप, मेथेनॉल। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़े बड़े नाम करते हैं, चार कार्बन का हमारा एल्कोहल है और चार कार्बन की हम यहां पे चार एल्कोहल बना रहे हैं। एक्चुअली चार कार्बन की चार समावयवी होते हैं जिनकी चर्चा आगे करेंगे अपन, लेकिन यहां पर उसका कंपाउंड तो हम बना ही रहे हैं। यहां पर हमने ब्यूटिल एल्कोहल के चार बना लिए हैं कंपाउंड, ये देखिए ब्यूटेल एल्कोहल के हमने चार, इन चारों का एक साथ नाम डालेंगे और ये रूल्स लगा के बिल्कुल आसानी से आप देखिए। नंबर 1, कार्बन कार्बन की चेन सिलेक्ट करना, ये कार्बन की हमने चेन सिलेक्ट कर दी है, चार की चेन बनी, यहां पर भी हम चार की ही चेन बना पाएंगे, यहां पर हम 3 की बना पाएंगे, एक साइड चेन रहेगी, यहां पर हम 3 की बना पाएंगे, 3 की और भी बन सकती है दोस्तों। एक साइड चेन है, एक साइड चेन है, कोई साइड चेन नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है। OH ग्रुप है ना, ये बाहर नहीं निकला है, इससे जुड़ा है तो ज्वाइंट है। तो हमने चारों की चेन बना ली, मुख्य श्रृंखला सेलेक्ट कर ली है, हम नंबरिंग कहां से करें? OH को एक नंबर मिल रहा है तो बिल्कुल सही, 1, 2, 3, 4। इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? यदि हम यहां LHS से करते हैं, 1, 2, 3 पर वह जुड़ेगा, 1, 2 पास कहां से यार, राइट हैंड साइड, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। फिर इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं? यहां पे देखिएगा, 1 पर OH, 2 पर साइड चेन, यहां से भी 2 पर साइड चेन पड़ेगी, यहां से भी 2 पर साइड चेन पड़ेगी, तो साइड चेन को 2 पर तो पड़ना ही है, तो हम OH समूह को, हमारा क्रियात्मक समूह जो कि प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर है, इसको हम एक नंबर देंगे। ये हमने चले यहां पे नंबरिंग, यहां से भी कर सकते हैं, यहां तो 2-2 पर दोनों है, 2 पर साइड चेन भी है, 2 पर, ये देखिए
अब इसका दोस्तों नाम लिखें फर्स्ट वाले का। साइड चेन इसमें कोई नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। रूट वर्ड चार कार्बन का है, चार कार्बन का सभी जानते हैं ब्यूट। इसमें क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड सब जगह है तो एन लगा देंगे, और कितने पारोल है बन पर, बन ब्यूटेनॉल। चाहे तो ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, नहीं तो बन को आगे कर दें आप। बस आप जब इसको ऐड करें तो ई हटा देंगे, जब ये जुड़ता है ना तो ऐसे नियम है यूपीएससी के, ई हट के और लग जाता है बन ब्यूटेनॉल। सेकंड वाले की कोई साइड चेन नहीं है, आधार सब वैसा ही है, ब्यूट लिख दिया, सब जगह सिंगल बॉन्ड है एन लगा दिया, ब्यूटेन कितने पर ऑल है, टू पर, ब्यूटेन टू ऑल या टू ब्यूटेनॉल। तीसरे का नाम, अब यहां साइड चेन भी आ गई है, हम पैटर्न देख लेंगे, हमने पहली हथियार तैयार कर लिया है, पहले ही हमने कर लिया है, बात का काम नहीं करते हम, पहले करते एडवांस। दो पर मेथिल लगा है, टू मिथाइल। अब रूट वर्ड कितने का आएगा गाइस, तीन का, प्रोपेन बन ऑल। क्या नाम हो गया इसका बताओ, टू मिथाइल प्रोपेन बन ऑल या बन प्रोपेनॉल। यहां पे आइए, इसका क्या नाम लिखेंगे अपन, यहां भी साइड चेन है, कितने पर है, दो पर है, टू मिथाइल। साइड चेन को पहले लिखेंगे जैसा कि पैटर्न दिख रहा है। रूट वर्ड कितने का है, दो का, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल या टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल, टू मिथाइल बन प्रोपेनॉल। देखिएगा, बन ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉल, आया समझ दोस्तों। तो यहां पे इस प्रकार की नेमिंग हमें करना है, और यदि हमें डबल बॉन्ड की नेमिंग करना है तो ये भी हम यहां पे आपको दो कंपाउंड करके दिखाते हैं, जो असंतृप्त एल्कोहल होते हैं उनका नाम कैसे करते हैं। ये हमारा हमने अभी बताया था कौन सा एल्कोहल है, ये विनाइल एल्कोहल। इसकी चेन बनाएंगे, कितने कार्बन की चेन बनने वाली है, दो कार्बन की चेन बनने वाली है यहां पे, ठीक है, दो कार्बन की चेन बनेगी। हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, एक दो। तो यहां पे नाम इसका कैसे लिखना चाहिए, आधार शब्द है एथ। अब यहां गाइस एन नहीं लगा पाएंगे आप, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना पड़ेगा, और इन का तो नंबर होता है, नंबर तो छोटा होता है, तो इन डबल बॉन्ड एक और दो के बीच में है, तो एथ वन इन वन ऑल ऐसा नाम लिखा जाएगा, एथ वन इन वन ऑल। अब वन को आप छोड़ भी सकते हैं तो एथिनॉल ये नाम चलेगा इसका, बन आगे भी कर सकते हो, बन छोड़ भी सकते हैं, तो बन एथिनॉल। हम कर रहे हैं किसके नंबरिंग, हम कर रहे हैं एक और असंतृप्त कंपाउंड जो हमने बनाया था, असंतृप्त एल्कोहल। ये इसकी हम चेन कितने की बना सकते हैं, तीन की श्रृंखला बना सकते हैं। नंबरिंग की डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है। अब थोड़ा असमंजस होगा, एल्कोहल कितने पर है, यहां से काउंट करेंगे तो एक पर, यहां से करेंगे तो तीन पर, डबल बॉन्ड यहां से एक पर और यहां से दो पर। दोस्तों ऐसी स्थिति में हम बरीता क्रम की सारणी याद कर लेंगे। बरीता क्रम की सारणी में एल्कोहल सीनियर है, डबल बॉन्ड जूनियर है, तो हमें एल्कोहल को कम नंबर देना पड़ेगा। ये जो है सीनियर है, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो पहले हमें बड़े भाई की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, बन से नंबरिंग कर दी, अब हम सीधे रूट वर्ड पे चलते हैं, प्रोप। तीन कार्बन की हमने चेन बनाई तो हमने प्रोप लिख दिया। एन हम लगा नहीं पाएंगे, हमें इन लगाना पड़ेगा, इन की पोजीशन दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड है गाइस, ध्यान से देखिए, तो यहां पे दो आएगा, न्यूनतम नंबर होता है ना, डबल बॉन्ड का हमेशा छोटा नंबर लिया, प्रोप टू इन और वन ऑल, ये हमारा एल एल एल्कोहल का यूपीएससी नाम हो गया। तो यहां पे एल्कोहल की आपने डेफिनेशन, एल्कोहल का आपने वर्गीकरण समझा, एल्कोहल की आपने नेमिंग देखी। अगले वीडियो में अपन एल्कोहल निर्माण की विधियां पढ़ेंगे, ठीक है, एल्कोहल की समावयवता समझाएंगे, ये तमाम बात अगले वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो गाइस बहुत ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में देर मत कीजिए,
और वीडियो को लाइक करके, यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास पे आ जाइए आप, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको ताजा वीडियो नोटिफिकेशन के साथ जरूर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।